हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पिक्सल प्लस यू आई 2.0 विथ एंड्रॉइड 10 फॉर रेमिनोट 4। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो दोस्तों रॉम है रेमिनोट 4 के लिए काफी ज्यादा मस्त रॉम है एंड इसका नाम है पिक्सल प्लस यू आई 2.0। इसको 1.0 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है था, उसको मैंने डिवो नहीं डाला, बट जो 2.0 है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर हमें इस रॉम के अंदर दिखाई देती है। सबसे पहले दोस्तों 2.0 रिबॉन यहाँ पर है, एंड्रॉइड 10 के साथ मिलता है। एंड्रॉइड 11 का अपडेट जल्दी आने वाला है पिक्सल प्लस 2.0 के साथ, होपफुली 3.0 के साथ आ जाए। 5th ऑफ सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाती है, जो कर्नल यूज किया गया है दोस्तों, प्योर कर्व कर्नल को यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों यहाँ पर पिक्सल प्लस यूआई 2.0 के अंदर क्या क्या मिलता है। सो जो सोर्स कैटलॉग आया है दोस्तों, उसमें बताया गया है दोस्तों फुली री बेस सोर्स फ्रॉम एंड्रॉयड 10, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर आपको ओवरऑल क्लीन यूआई मिल जाती है, बहुत ही अच्छा दोस्तों यहाँ पर वॉलपेपर मिलती है। मुझे ये वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा है एंड जो बूट एनिमेशन है उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम इसे प्रॉब्लम आया था। एंड जो जैसे कि मैंने बताया, जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ दोस्तों आपको और भी कुछ कुछ वॉलपेपर मिल जाती है। यहाँ पर देख पाओगे पिक्सल 4 का कुछ कुछ वॉलपेपर है, जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो तो दोस्तों आपको और भी ज़्यादा वॉलपेपर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो OTA अपडेटर है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है, जिससे आप आई गेस यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कहाँ गया भाई सब OTA अपडेटर कहाँ गया भाई साहब। नहीं मिल रहा है भाई साहब, एक OTA अपडेटर करके भी बताया गया है कैटलॉग के अंदर, बट फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा है। एनीवे यहाँ पर जो पिक्सलाइजर का आइकॉन आप देख पाओगे सेटिंग्स के साथ जो अवार्ड फोन के अंदर, वो दोस्तों नया आइकॉन है। ये आइकॉन लास्ट बिल्ड के अंदर नहीं था। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोज या नोटिफिकेशन लॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आप गैप देख पाओगे। ये जो नोटिफिकेशन है और ये जो कंट्रोल सेंटर है, इसमें एक लाइन है, मतलब जो स्पेस है वो काफी बढ़िया दिखता है। नोटिफिकेशन लॉक जो है दोस्तों उसमें भी इंप्रूवमेंट किया गया है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मीडिया मतलब जो कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल पैनल है दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो जिस तरह से हमें मिलती है, काफी बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड ये देखो एकदम नया वाला मतलब जो यूआई है उसे चेंज किया गया है, रियूनिक किया गया है, मतलब रीबिल्ड किया गया है। भाई साहब क्या बोल रहा हूँ, रियूनिक। एंड स्विचेज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पर लगी है एंड काफी अच्छी अच्छी चीजें दोस्तों। यहाँ पर जो मेमोरी लीक का एड्रेस है इसे ठीक करके दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात हमें लगी है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी मोटी ट्विकिंग मिल जाएगी इस रॉम के साथ एंड आई एम श्योर आपको भी दोस्तों ये जो रॉम है काफी बढ़िया लगेगा। एंड नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों सीरीज के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको द पिक्सलाइजर मिल जाती है, यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाती है। यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन है दोस्तों आपको ह्यूज कस्टमाइजेशन नहीं मिलती है, बट जो भी कस्टमाइजेशन मिलती है काफी बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पर आपको नेटवर्क ट्रैफिक के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप डाउनलोड अपलोड स्पीड को देख सकते हो, उसके बाद ब्लर कर सकते हो, ब्लर का इन इन मतलब जो ओपेसिटी है उसे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्लॉक के अंदर AM PM को डाल सकते हो, यहाँ पर आप लेफ्ट राइट एंड डेट को भी डाल सकते हो। ऊपर स्टेटस बार के अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल, ऑक्सीजन वेस्ट का जो क्लियर ऑल बटन है वो भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया बात है। वॉल्टी आइकॉन के लिए, 4G आइकॉन के लिए एंड जो वॉल्टी आइकॉन है उसमें आपको 5 ऑप्शन मिल जाएगा, सो ये भी नया ऐड करके दिया गया है। डेडिकेटेड गेमिंग मोड है एंड गेमिंग मोड के अंदर जो नोटिफिकेशन है उसे ब्लॉक कर सकते हो। एंड उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए पावर मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको एडवांस रिस्टार्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ से दोस्तों आप चाहे डायरेक्ट आपका जो रिकवरी है सिस्टम है उसमें जा सकते हो। एंड डबल टप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में जाकर डेवलप कर लेना, आपका फोन स्लिप में चलाएगा और स्टेटस बार डबल टप करना तो आपका जो फोन है जिससे लॉक हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड आप जो लॉक आइकन है उसे भी हाइड कर सकते हो, मतलब भाई छोटे छोटे कस्टमाइजेशन आपको इस रॉम के अंदर दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें मेरी सबसे अच्छी बात है। एंड उसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो फेस अनलॉक फीचर है उसके बात कर लेते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है जो फेस अनलॉक फीचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक फीचर भी मिल जाती है, जो कि एक्चुअली काम करती है, बट मेरा जो फोन का फ्रंट कैमरा है वो दोस्तों टूट गया है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। एंड जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काम कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने 4 फिंगर ऑलरेडी लगा के रखा है, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए भी मैं आपको यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं लॉक स्क्रीन जो क्लॉक है वो भी काफी कुछ ऐड किया गया है। यहाँ पर देख पाओगे कुछ कुछ क्लॉक को यहाँ से ऐड किया गया है एंड कुछ टाइटल्स को भी ऐड करके दिया गया है, कुछ फिक्सेस भी हुआ है जो कि काफी बढ़िया बात हमें लगी है। सो ओवरऑल ये जो हमें दोस्तों आपको बहुत सारी फीचर के साथ मिलता है, बहुत सारी लंबा एक कैटलॉग हमें यहाँ पर
मिल जाती है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर कैलकुलेटर है वो भी मिल जाती है, एंड आपका जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वेस्ट स्टाइल का कुछ बटन्स भी मिलती है, 4G आइकॉन भी मिल जाती है, वॉल्टी आइकॉन भी अलग से मिलती है, एंड 0.8x एनिमेशन का भी सपोर्ट है, एंड यहाँ पर जो एंड्रॉयड आर का शेप है वो भी हमें यहाँ पर डाल दिया गया है, कुछ वैल्यूज को ऐड किया गया है, नया फॉन्ट्स को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। ओवरऑल इस रॉम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको एक्सप्लोर करने को लिए मिलेगा, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जरूर से कर सकते हो, एंड बहुत ही बढ़िया रॉम है क्योंकि आपको यहाँ पर जो यूजफुल कस्टमाइजेशन तो मिल ही जाता है एज वेल दोस्तों। आपको यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस है वो भी हमें मिलती है, मतलब बैलेंस परफॉर्मेंस एंड एक्सक्लूसिव कस्टमाइजेशन दोनों एक साथ मिल जाती है। यहाँ पर आपको बटन्स को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, गेस्चर्स के लिए मिलेगा, अगर आप चाहो तो दोस्तों गेस्चर्स को यूज़ कर सकते हो, बट जो ऑन स्क्रीन जो हार्डवेयर बटन्स है उसे आप बंद भी कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन यहाँ पर बटन्स के अंदर दिया गया है। अगर आप मैं ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार को ऑन कर दूंगा तो जो बटन्स वो काम नहीं करेगा, तो मुझे जो गेस्चर्स है उसे यूज़ करना होगा, अगर मैं ऐसे बंद कर दूंगा तो गेस्चर्स काम नहीं करेगा, बट जो हार्डवेयर बटन्स है वो काम में आएगा, जो कि काफी बढ़िया बात हमें लगी है। सो अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस रॉम का मैं डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड कैमरा टाइप की बात करूँ लेवल 3 का सपोर्ट है, तो जी कैम गूगल कैमरा आराम से यूज करना, एंड डिफॉल्ट कैमरा की बात करूँ दोस्तों एकदम ही बेसिक सा डिफॉल्ट कैमरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस रॉम के साथ दोस्तों। आपको अलग से जो जी एप से और जो गूगल का एप्लीकेशन है वो फ्लैश नहीं करना होगा, इस रॉम के साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के अंदर डिवाइस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है, मतलब जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन है, जो गूगल पे है, जो फोन पे है, इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, कोई भी इशू पर नहीं है। पिक्सल प्लस यूआई है तो आपको पिक्सल का जो फीचर है वो भी हमें देखने को मिलता है, बट अभी लाइव कैप्शन का जो फीचर है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, एंड यहाँ पर जो ब्लूटूथ कॉलिंग बीप है उसका भी सपोर्ट यहाँ पर आ गया है इस रॉम के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है, एंड जो स्मार्ट रिप्लाई का फीचर है वो दोस्तों सभी एप्लीकेशन के अंदर काम करेगा, एंड गूगल का जो वॉलपेपर का लैग है उसे फिक्स कर दिया गया है। जो फ्लैश लाइट है दोस्तों अभी आपका व्हाइट कलर का हो गया है, लास्ट टाइम दोस्तों ये येलो कलर का था, तो फ्लैश लाइट को व्हाइट कलर के अंदर दे दिया गया है, एंड जो शामी पार्ट है उसे फिलहाल यहाँ से अभी के लिए रिमूव करके दिया गया है, कोई क्योंकि कोई भी काम का नहीं है। अगर आप चाहो तो जो कर्नल मैनेजर है उसे यूज करके जो शामी पार्ट से उससे आप यूज करके देख सकते हो, जो काफी बढ़िया बात हमें यहाँ पर लगी है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान अगर आपका ये रॉम फ्लैश नहीं हो रहा है तो दोस्तों जो आपका सिस्टम है उसे माउंट जरूर से कर लेना, तभी दोस्तों जो रॉम है फ्लैश हो जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो दोस्तों अगर आप स्मूथ रिकॉर्डिंग चाहते हो तो किमी रिकॉर्डिंग भी यूज करके देख सकते हो, एंड ड्यूएल सिम का जो इशू है कॉलिंग का इशू दोस्तों फिक्स करके दिया गया है, एंड जो वाईफाई का मैक एड्रेस है उसमें रियल मैक एड्रेस मिलता है, एंड अगर बात करूँ गीकबेंच की स्कोर की तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो सिंगल कोर के अंदर जो स्कोर मिला है वो हमें मिला है 180, जो मल्टी कोर के अंदर स्कोर मिला है 978, जो कि काफी बढ़िया हमें मिला है, स्पेशली 978 974 जो मिला है दोस्तों हमें मल्टी कोर के अंदर काफी बढ़िया हमें यहाँ पर मिला है। सो यहाँ पर दोस्तों ये जो रॉम है काफी बढ़िया रॉम है, लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन तो यहाँ पर हमें नहीं मिलता है, बट ओवरऑल काफी स्मूथ है दोस्तों, एंड यहाँ पर अगर दोस्तों आप यहाँ पर जो थर्मल ऑप्टिमाइज थर्मल मॉड्यूल को फ्लैश कर ले तो मैजिक के साथ दोस्तों जो ओवरऑल गेमिंग की परफॉर्मेंस है और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस रॉम का डाउनलोडिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एंड यहाँ पर आपको पिक्सल प्लस का भी दोस्तों यहाँ पर वॉलपेपर मिल जाती है, अगर आप वॉलपेपर को यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो पिक्सल प्लस वॉलपेपर वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो काफी बढ़िया रॉम है, मेरे सबसे इस रॉम को जरूर से ट्राई करिएगा, एंड यहाँ पर आपको एफएम रेडियो को भी मिल जाती है अगर आप एफएम रेडियो यूज करना चाहते हो तो, एंड मस्ट रॉम है, डाउनलोडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सारी कस्टमाइजेशन है जो कि मैंने एक ही वीडियो के अंदर बताने की कोशिश किया है, बट अभी भी बहुत सारी फीचर है इस रॉम के अंदर जो कि आप खुद से एक्सप्लोर करना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, घंटी वाला आइकन दबा देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच, बाय।